हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज की वीडियो में हम कुछ तबाहीदार करने वाले हैं और हम जाने वाले हैं पिलेजर के पास, मतलब एक रेड करवाने वाले हैं। वो कैसे करवाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वीडियो उससे पहले रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर मैंने घोड़ा पकड़ा, तो उस बहुत बड़ा वीडियो है और लंबा क्लिप है, तो मैं उसको शॉर्ट में करके बता दूंगा। और थैंक यू ऑल फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, कसम से आप लोग गजब इंसान हो। और ये रहा वो क्लिप जिसमें मैंने वो घोड़ा पकड़ा, लेकिन ये पता नहीं अजीब सा ये स्केलेटन टाइप का लग रहा है, मेरे को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना किसका काम क्या होता है, क्या करता है ये, और इसके लिए कोई अच्छा सा नाम बता देना। और कसम से आप लोग को बहुत खुशी मिली कि आपने मेरे लिए 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा लिए, और 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं लोगों से कोलैब करना भी शुरू करूँगा। अब मैं 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही कोलैब क्यों कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का पोटेंशियल देख सकूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों की मदद से 1000 सब्सक्राइबर गेन करूँ। तो बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ कि नहीं, और 500 हो गया तो और 500 चाहिए, तो वो तो आप करवा ही दोगे, मेरे को पक्का पता है। और कसम से बहुत खुशी मिल रही है, कसम से लव यू ऑल। और आज का वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा तबाहीदार होने वाला है, मैंने सोचा था मैं सुबह निकलूँगा और सुबह आ जाऊँगा, मतलब अगले दिन की सुबह, लेकिन मेरे को घोड़ा पहले ही मिल गया। मैं असल में गया था कोई एंडरमैन वगैरह ढूंढने, लेकिन वो तो नहीं मिला, मेरे को पता नहीं है कहाँ से मिल गया, तो मैं इसे ही उठा के लेके आया। और अच्छा हो मेरे पास वो था, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, नाम ही भूल गया, अजीब सी रस्सी जिसे जानवरों को पकड़ते हैं, जो भी मेरे को कमेंट में बता देना, मेरे को इतना याद नहीं है। तो आज के एपिसोड में मैं जाने वाला हूँ पिलेजर। जब मैं इसे घोड़े को ढूंढ रहा था, मतलब ऐसे घूम रहा था, तब मेरे को ये पिलेजर आउटपोस्ट मिला, तो ये रहा वो पिलेजर आउटपोस्ट। मैंने इसकी कोऑर्डिनेट नोट कर ली थी, जिसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अब मेरे को इनसे बचना पड़ेगा, मैं फटाफट इसके मेन कैप्टन को मार के यहाँ से भग लेता हूँ। यहाँ पे अभी पीछे की तरफ बेवकूफ़ हो जैसे घूम रहे हैं, चलो मैं निकल लेता हूँ फटाफट। मैं डायरेक्ट ऊपर जाके चेक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे आके पहले ही मैं यहाँ पे आ चुका था, जिसलिए मैंने ये लगा दिया था ताकि कोई मेरे पीछे ना आ जाए। खुल जाए सिम, फिर से गेट ब्लॉक कर लेता हूँ। तो गाइस, पिलेजर का सबसे मेन फ़ायदा है कि हमें एमरल्ड मिलते हैं, ऊपर से लेवल भी मिलते हैं, और जब भी हम जीत जाते हैं, जैसे कोई रेड हमारे ऊपर हुई और उससे हम जीत गए, तो हमारे कोई विक्ट्री सिंबल मिलता है, उसकी वजह से विलेजर्स हमें, विलेजर्स कंजूसी नहीं करते, हमें फ्री में ज़्यादा चीज़ें देते हैं, फ्री में तो नहीं, थोड़े सस्ते में देते हैं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए इन्फिनिटी अपने बो के लिए, क्योंकि मेरे पास पावर 4 पहले से ही है। और एक सेकेंड, ये कहाँ से, ये कैप्टन आ गया, कैप्टन मिल गया मुझे, कैप्टन मिल गया, ओ तेरी की, मैं गिर गया। एक सेकेंड, कोई पट्ट से हेड शॉट ना मार दे, ये तोड़ देता हूँ। तो ये रहा हमारा मेन कैप्टन, क्यों क्यों आया बेवकूफ। चलो कोई नहीं, हमें यहाँ से भगना पड़ेगा फटाफट, मेरे को घर की तरफ जाना पड़ेगा। चलो निकलो यहाँ से, मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और आज की ये रेड सक्सेसफुल हो, मेरे को दुआ करो। हाँ गाइस, मैं बड़ी मेहनतों से घर पे तो आ गया, ये फालतू के बीज मेरे हाथों में आ रहे हैं। मेरी आदत है बार बार वो क्लिक करने की, कभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती है। ये जब मैंने घर को, वो पूरा विलेज को खाली किया था, तब जाके ये अभी तक पड़े हैं। चलो यहाँ पे अभी तक रेड नहीं हुई, लगता है मेरे को विलेजेस के पास जाना पड़ेगा, तब जाके होगी। हाँ देखा, ये विलेजेस के मेरे को पास जाना पड़ा। तो चलिए रेड शुरू हो गई, लेकिन अभी रात हो रही है, रात में कुछ देखा गया नहीं, मैं फटाफट सो जाता हूँ। सोने से रेड कम हो जाती है, नहीं पता नहीं, मैं सो ही जाता हूँ, वापस चले जाएंगे और तो क्या होगा। तो सुबह हो गई और मेरे को एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं इन बेवकूफ़ों को मार सकूँ। यहाँ पे मैं रास्ता बना देता हूँ, ये निकला यहाँ से, सिल टच काम की है, कहाँ पे ये सारे बेवकूफ़ मेरे खेतों में घूम रहे हैं यार, मैंने गलत जगह खेत बना दिया। और ये किसने मारा, किसने मारा, कौन था, काहे पता, ये देखो। अच्छा, वो मैंने पानी में बनाया था, ये इतनी इनकी स्पीड इतनी स्लो हो रही है। और ये निकल यहाँ से, मेरे खेत ख़राब कर रहे बेवकूफ़ कहीं के। एक बार मेरे को इन्फिनिटी तो मिल जाए यार, अभी तो मेरे को
बोन की क्या, बोन क्या, बो की कमी पड़ेगी एरो की, मैं बो भी क्या कह रहा हूँ। ये देखो ये फालतू की राउंड मार रहा है, ये क्या हो गया इसे, गोल गोल क्यों घूम रहा है। निकलो निकलो निकल, आ जाते पता नहीं कहाँ से। नहीं, आओ, वो कोई नहीं है, अच्छा है पानी में, वरना तो अभी तक मैं मर चुका होता। मैं आसपास के भी एक जगह बनाऊंगा जहाँ पे मैं रेड के लिए टैकल कर सकूँ। मेन प्रॉब्लम है वो इवोकर जो मैजिशियन होता है, वो पता नहीं, वो अजीब से वो जानवर छोड़ देता है, वो उड़ उड़ के मारते हैं, और उनके एक हिट भी बहुत ज़ोर से लगता है। और मेरे आयरन गोलम तो और ज़्यादा स्पॉन होंगे इस चक्कर में। अभी और कहाँ पे हैं, फिर से रेड हो गई पूरी, फिर से आ गए लोग, मारो इसे पट से, निकलो। या अभी तक तो मैंने आयरन का आर्मर पहना है, जब तक एक सेकेंड, 2 बच्चे हैं, दोनों को खाली कर देता हूँ, स्वॉर्ड से करूँगा। मेरे पास लूट भी फ्री है, एमरल्ड ज़्यादा मिलेंगे। कहाँ पे गया मेरा एमरल्ड, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये रहा ये रहा, प्राण जाए अपने एमरल्ड ना जाए। चलो और कौन बचा है, ये है ना, ये बेवकूफ़, इसे बहू से मारूँगा, वो मर गया एक में। चलो मैं अपने सारे लेवल ले लेता हूँ, कहाँ पे गए मेरे लेवल लेवल। और ये क्या जा रहा है, छोड़ो इसे जाने दो, बो है, एरो है मतलब। चलो अच्छा, रेड फिर से शुरू हो गई। कितनी रेड होती है मेरे को पता नहीं चल रहा अभी तक, मेरे को लगा एक दो ही होती होंगी, ये इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी तक मैंने 2 रेड टैकल कर चुका हूँ, ये अभी तीसरी बार फिर से शुरू हो गई है। चलो इनको भी पीटेंगे, पहले खाना खा लूँ पानी में, जब तक ये मारते रहेंगे। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, वहाँ से मेरे को ज़्यादा लोग आ गए, पिटूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से निकलो। अब तक तो अच्छा, मैं अभी तक बहुत कम बार मरा हूँ इस गेम में, बहुत कम, मतलब एक बार नेदर में मरा था, एक बार माइनिंग करते वक्त मरा था, बस ज़्यादा मरा ही नहीं है, जिसलिए मेरे पास अभी अच्छे लेवल्स हैं। चलो ये रेड में देखता हूँ इस बार बिना मरे मार सकता हूँ कि नहीं। और ये कौन है, सांड जैसा, ये तो वही है ना, क्या नाम है इसका, कमेंट करके बताना, मैं भूल जाता हूँ। और ये अकेला कहाँ घूम रहा है, सारे लोग वहाँ पे बैठे, ये यहाँ पे घूम रहा है पागलों जैसे है भाई। तो मेरा स्केलेटन हॉर्स तो यहीं पे है, बस इसका काम क्या है वो पता नहीं चल रहा, इसके ऊपर तो सैडल लेके बैठ भी नहीं सकता। और ये कहाँ से आ गया, आओ जनाब जी आइए पधारिए, तू मर पहले, उसका ज़्यादा भू लगेगी, इसको तो सिर पे मारूंगा। एक और आ जा, 12 12, डर मत डर मत डर मत, आ जा, कुछ नहीं करूँगा। एक सेकंड यहाँ से चेकता हूँ, थोड़ा पीछे से, नहीं नहीं आगे से, आ जा, सिर पे मारूंगा इसके तो पट से। चलो मर गया, अच्छा मेरे पास पावर 4 का वो है, जिसलिए ज़्यादा लग रही है इसको। लास्ट के 2 बच्चे हैं, एक और गया, और एक और कहाँ पे, वो रहा बेवकूफ़, मर जा, लग जा भाई लग जा। चलो मर गया, अभी मैं सारे एम्ब्रल वगैरह ले लेता हूँ। चलो और कहाँ पे मेरे लेवल्स कहाँ पे हैं, ओ बाप रे, एक और रेड होने वाले। मैं अगली बार क्या करूँगा, लास्ट का एक बंदा छोड़ दूँगा, ताकि मैं सारे चीज़ें कलेक्ट कर सकूँ। अभी टाइम ही नहीं मिलता कलेक्ट करने जाता, उससे पहले एक और रेड हो जाती है। खुल जा भाई, चलो ऊपर चलो फटाफट। मेरे को खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तक 6 एमरल्ड हुए हैं, अगर मैं लूटिंग 3 यूज़ करता तो अब ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब क्या करें, दूर से ही मारना पड़ता है। कहाँ से मारा इसने, ये बुढ़िया तो मरेगी, इसे सबसे पहले मारूंगा। ये गिर गई, नहीं गिरी, बिल्कुल ऐसा भी गिराता हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गए सारे के सारे, कहाँ गए, चलो भाई एक सेकेंड, ये रहा एक, तो इस सैडल मिल गई, लेवल लेवल। एक सेकेंड मैं बाहर निकल लूँ,
एक तो ये रहा जो दिख गया मुझे, बाकी के कहाँ हैं? इतनी लंबी रेड दिख रही है, बाकी के गायब कहाँ हो गए? एक सेकेंड, मेरे को कोई दिख नहीं रहा गाइस, कहाँ गए ये सारे बेवकूफ़ कहीं के? नहीं इधर भी नहीं, एक सेकेंड, उधर कौन है? कोई नहीं, यहाँ पे है क्या कोई? नहीं इसमें भी नहीं, इधर भी आवाज़ नहीं आ रही। एक सेकेंड, ये सारे बेवकूफ़ इधर है। वाह बढ़िया, मजे में बढ़िया है बढ़िया है, क्या गजब जगह फंसे। वाह इनको तो अभी मैं आराम से मार सकता हूँ। आ जाओ भाई बेवकूफ़ो, कम से कम देख के तो आते, कहाँ पे जा रहे हो? कुछ भी है राम, इनको नौकरी में रखा किसने? ऐसे बेवकूफ़ है, जाते चारों बाजू फैंस से वहाँ पे जाके अटके पड़े। कसम से इनका कुछ नहीं हो सकता, मेरी बो खत्म हो गई, मतलब एरो ख़त्म हो गई, और लेके आता हूँ। बस भगवान करिए लास्ट रेड हो। लगभग मैंने चार रेड टैकल कर लिया है, मतलब चार बार ये रेड वापस जा रही आ रही है, वापस जा रही आ रही है, और मेरे पास और बो नहीं है, एरो नहीं है, तो इसे मेरे को संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। आगे रख देता हूँ और अब इनको मारना पड़ेगा। 12 एमरल्ड ही हुए, मेरे को सोचा था ज़्यादा होने चाहिए। मैं इनके ऊपर मैं सोचा एक बार ये ब्लू एंड एरो वालों को मार लेता हूँ, एक बच्चा इसे ठोक देता हूँ। चलो अब मैं सॉर्ड यूज़ कर सकता हूँ। आ जाओ बेवकूफ़ो, लूटिंग 3 से मेरे को एमरल्ड दो, एमरल्ड। आ जाओ आ जाओ, किसने कहा था इधर आने के लिए? किसने कहा था हैं? मरो, देख रहे कितने एमरल्ड मिल रहे हैं, अभी तक 19 हो गए, देखा 12 से 19, और बाकी के अभी 22 हो गए, देखा लूटिंग 3 का फ़ायदा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक और बंदा बचा है, एक ये एक बंदा कहाँ पे है? मिल जा कहीं पे, एक सेकंड। ओ ये रहा, ये तो मैजिशियन है, इसे दूर से मारना पड़ेगा। चलो बच गए, वरना तो ये पता नहीं कौन सा अजीब से जानवर छोड़ देता है, और उसके पास से मेरे को वो मिलना चाहिए ना, क्या कहते हैं, टोटम ऑफ अंडाइंग। चलो ले लिया, एक और रेड आ गई, ये गधों को मारना पड़ेगा, इनकी वजह से मेरी सारी बोझ आ रही है। यार मेरा गला बैठ गया लग रहा है। चलो और एक और मैजिशियन, सबसे पहले मैजिशियन को मारता हूँ, एक और लग जा, बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैजिशियन का टोटम ऑफ अंडाइंग कहाँ पे गया? एक सेकेंड, कोई नहीं बाद में देख लेंगे, पानी में जाने का बाद ऊपर ही आएगा घूम फिर के, तो अपना ही घर है, कभी भी ले सकते हैं। एक और मैजिशियन है ये तो, चलो बच गया, पता नहीं ये कब आया। चलो टोटम ऑफ अंडाइंग ये रहा, चलो दो टोटम ऑफ अंडाइंग हो चुके हैं, तीसरा एक सेकेंड नहीं, ये दूसरा वाला जो मेरे को लिया नहीं था, और अभी एक बंदा बचा है। कहाँ पे एक ये बंदा, लास्ट बंदा कहाँ पे है? दिख जा कहीं पे तू, मिल जा कहीं समय से पहले। पता नहीं यार गाइस, नहीं मिल रहा, मैं जब तक ये बेवकूफ़ों को मार लेता हूँ, और मेरा पूरा खेत ख़राब कर दिया है। मैं इसकी जगह पे कुछ और लगाऊंगा, ताकि यहाँ पे जैसे आएंगे वो मर जाएंगे, मतलब कुछ डैमेज हो, ऐसी कोई चीज़। मैं सोच रहा हूँ वो बेरी बुशेस साथ या वो लगा लूँ। एक सेकेंड, एक लास्ट बचा हुआ कौन है? मेरे को मिल ही नहीं रहा, वन रिमेनिंग। मिल जाए भाई, फटाफट आ जा, फटाफट मर जाए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? अपने घर के ऊपर से देखते एकदम टॉप माले से अपना सस्ता बीकन, नहीं महंगा वाला है, सस्ता किसने कह दिया, लेकिन आयरन का है, लेकिन है बीकन, बीकन होता है। यार कहाँ पे एक ये लाश बंदा? तो गाइस ये लाश बंदा तो मैं ढूंढ लूँगा, लगभग हाईएस्ट 5 ही रेड होती है मेरे को लगता है, और ये 5वीं या 6ठी रेड है,
कोई नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं ये लास्ट बंदे को ढूंढ कर मार लूँगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और कसम से बहुत मज़ा आता है जब आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। जब ऐसे आप अच्छे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है।